हाय गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 7B से। गिवन है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर द टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फिगर इस तरीके से है फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इस तरीके से हमने कॉपी में फिगर ड्रॉ कर लिया है ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट ओ पे। एंगल बी ओ सी गिवन है 125 डिग्री। वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स वाई और जेड की। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। देन क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट पॉइंट ओ इन सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ बी है, पॉइंट ओ है यहाँ पे, इसके लोअर साइड में हम लेंगे सबसे पहले। देन पॉइंट ओ पे लोअर साइड में जितने भी एंगल है सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ए ओ सी की वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स हमें फाइंड करनी है, बी ओ सी 125 गिवन है। इसको राइट में लेके आएंगे, माइनस में हो गया, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। हमें क्या मिल गया है, एंगल ए ओ सी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिगर से हम देख सकते हैं ए ओ सी और बी ए ओ डी है पहले फ्रेंड्स, ए ए ओ डी ये हमने लिया है और बी ओ सी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ए ओ डी वाई डिग्री गिवन है इज इक्वल टू 125 डिग्री। सो हमें वाई की वैल्यू मिल गई 125। नेक्स्ट फ्रेंड्स है बी ओ डी और ए ओ सी इक्वल होंगे। फिगर से हम देख सकते हैं बी ओ डी और ए ओ सी दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बी ओ डी जेड डिग्री गिवन है, ए ओ सी अभी हमने फाइंड किया 55 डिग्री। सो जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 55 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक्स की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए ओ सी हमने फाइंड किया था 55 डिग्री, ए ओ सी है एक्स डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो एक्स की हमें क्या वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, 55। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। एक्स इज इक्वल टू 55 है, वाई इज इक्वल टू 125 है एंड जेड इज इक्वल टू 55 है। फ्रेंड्स आप इस तरीके से देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कोई भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।